मीडिया के मित्रों को, जो लगभग 2 महीने इस तापमान में भी सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। और कहीं से मेरी ओर से कोई चूक हुई हो, कोई सम्मान में या कोई अनदेखी हुई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। क्योंकि 2 महीने तक लगातार इस भीषण गर्मी में जब ईचागढ़ जाते तो 43-44 डिग्री टेम्परेचर, खिलाड़ी जाते तो वहां टेम्परेचर, रांची में ही 43 डिग्री टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर के बीच में काम करना सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक, 3-3 बज जाता था हमको, 2 बजे 2:30 बजे घर पहुंचे, फिर नहाए, फिर खाना खाए, 2 घंटा सोए, फिर सुबह निकल लिए 6 बजे। तो एक मनुष्य है, गलती हो सकती है, किंतु मेरा यह प्रयास था कि जन जन तक पहुंचना। क्षेत्र बहुत बड़ा है, ईचागढ़ कपाली से लेकर मैस्कुसीगंज तक, हर की इच्छा होती कि प्रत्याशी मेरे द्वार आए, लेकिन संभव नहीं हो पाता। किंतु 5 साल निरंतर हम क्षेत्र में रहे, कोरोना था, कोरोना भी थे, और कोरोना में हमको सौभाग्य मिला सेवा करने का, 2 साल 1.5 साल लगातार सेवा करने का मौका मिला, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सेवा का मौका मिला। आज वस्तुतः 2 कारणों से आपसे हम रूबरू होंगे, जो पिछले 2-2.5 साल से हम लगातार चिंतित हैं। चिंतित ही नहीं, राज्य के DGP, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, संबंधित अधिकारियों को चेताया हमने कि रांची को जो नशे की राजधानी बन गई, जो अपराध की राजनीति बन राजधानी बन गई, नशा जो बहुत तेजी से रांची को गिरफ्त में ले रहा है। हमको याद है आज से 2.5-3 साल पहले रांची एयरपोर्ट पर सुखदेव सिंह भी थे, प्रेजेंट DGP भी थे और सभी अधिकारी थे। हमने वहां भी इनको चेताया कि देखो, आप अभी पद पर हो, पद पे रहते हो, आप जिम्मेदारी निभाओ, आपके बच्चे अगर नशेबाज निकल जाएं, तो आप पे क्या बीतेगी। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पर सूचनाएं आती, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती हैं पुलिस को, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा ड्रग नशे का धंधा नहीं चलता। पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है, यह पश्चिमी पश्चात सभ्यता लाकर रांची को खड़ा कर दिया। 2-2, 3-3 बजे रात तक लॉन्च खुले रहते हैं, 1-1, 2-2 बजे रात तक लॉन्च में शराब परोसी जाती है। हमने लगातार यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमने आज से साल 1.5 साल पहले 2-3 बार मतवा कहा, संभालो रांची को, हमारे ही बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं, कोई दूसरे शहर से बच्चा नहीं आया, दूसरे समाज से बच्चा नहीं आया, हमारा ही समाज, हम कैसे समाज को गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं चेता। हमने DGP को कहा था कि 12 बजे के बाद किसी भी कीमत पर लॉन्च को खुलने नहीं देना चाहिए, अगर 10 बजे शराब बंद हो तो बंद होनी चाहिए, कोई नहीं सुना। आज देखो लगातार कल परसों की जो घटना हुई, जो लगातार घटनाएं घट रही है, कब चेतेगा पुलिस प्रशासन, कब चेतेगा प्रशासन, जब अपने ऊपर बीतेगी तब चेतेंगे हम। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर है जिसके बाहर ड्रग नहीं बिक रहे हो? इतना बड़ा देश का नशे की राजधानी बन गई रांची, नशे की राजधानी। हम इतनी बढ़िया राजधानी है, इतनी बढ़िया जलवायु, इतने अच्छे लोग, इतनी बढ़िया स्कूलिंग, कला के क्षेत्र में आगे, खेल के क्षेत्र में आगे, सब पे पानी, नशा सब पे पानी फेर रहा है। हम कई मीडिया के मित्र, मीडिया के संस्थान नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। मैं सभी मीडिया के मित्रों को अनुरोध, सब लोग, ये सब मेरे हमारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाए रांची में, और उस अभियान में कोई बचने नहीं पाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, क्योंकि हम
हमने जिंदगी हम जिंदगी काट रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहे, क्या आप नशे के नशे को तो आप हमारे उपहार दे के गए हो। और जिस तरह नशा तेजी से फैल रहा है, मेरा अंतिम चेतावनी है, तो 4 जून तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं, 4 जून के बाद मेरी अंतिम चेतावनी है, अगर 4 जून के बाद जो तय समय है शराब परोसने की, उसके बाद अगर शराब परोसी गई, अगर 12 बजे के बाद लॉन्च खुला पाया गया, मैं उसके बाद धरने में बैठूंगा, इसके लिए जो कुछ करना हो करूंगा, मैं आने वाली पीढ़ी आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो भविष्य है हमारा देश का, झारखंड का भविष्य है, वो नशे का सौदागर बन जाए, नशा करके अपना तो बर्बाद हो, शरीर बर्बाद हो, परिवार बर्बाद कर ले, हम नहीं चाहते। इसलिए हम सरकार को और स्थानीय प्रशासन पुलिस प्रशासन को मेरा अंतिम चेतावनी, और मैं रांची वासियों से आग्रह करना चाहूंगा, क्या हो मेरे साथ कारवा बनाओ, मैं पीठ दिखाने वाला आदमी कभी नहीं रहा, और इसके लिए बड़ा जन आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्यों हमारे ही घर का बच्चा है, कोई बाहर से नहीं आया। तो आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन, और मेरा सभी अभिभावकों से ये रांची का आह्वान अभिभावकों से आह्वान है, आपके अपने बच्चों पे ध्यान दो, कहां बच्चे रात में निकल के जा रहे, बच्चों को 10 बजे के बाद कहां है, पाबंदी लगाओ। हम सब हमने देखा है रात जब हम लोग भी जवान थे, बत्ती जलती थी घर के अंदर, 1 मिनट देरी हो जाती तो कान उमिठे जाते थे, फादर कान उमिठते थे, पिटाई होती थी। आज देखो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं साहब, समाज को सुधारना होगा, और राजनीति से परे हटकर, राजनीति की आइडियोलॉजी से हटकर, कोई किसी आइडियोलॉजी का रखो, लेकिन एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हमको रांची को बचाना है, रांची को नशे के से दूर रखना, रांची को अपराध से मुक्त करना, यही मेरा आज कहना था। दूसरा विषय था गंभीर विषय, इसीलिए हमने सुधीर जी श्रीवास्तव जी को बुलाया। चुनाव के दिन मैं घूम रहा था, एक साजिक एक षड्यंत्र, देखिए इसको बाइफरकेट नहीं किया, मेरा सारा फोकस नशे पे था, लेकिन 2 बार नहीं बुला सकते थे इसलिए हम बोल दें, लेकिन पूरा फोकस मेरा नशे पे था। दूसरा, जब हम चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300 बूथ हम घूमे ग्रामीण क्षेत्रों के शहर के, उन 300 बूथ पे एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है पति का नहीं, पति का है पत्नी का नहीं, बच्चे हैं उनका नाम नहीं, लगभग रांची लोकसभा में 1,00,000 लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड, उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए उसके मतलब पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है उसमें लिखा डिलीटेड। तो एक साजिश हुई है, और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई कि चिन्हित करो जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं उनके नाम काटे गए, किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को ऐसे बीएलओ को पूछना चाहिए, सोकस करना चाहिए कि व्यक्तियां मौजूद है, वो व्यक्ति पिछली मरतबा वोट दिया उसके बाद वोटर आई कार्ड है, नया वोटर आई कार्ड है, तो क्यों उसको डिलीटेड किया गया, किसकी जिम्मेदारी है? लोकतंत्र के सबसे बड़े महान पर्व पर उसको क्यों मौका नहीं दिया? बच्चे कहां कहां से आए, दूर दूर से वोट देने आए, कोई पुणे से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है वोट देने आए, जब वोट देने के लिए डिलीटेड है। तो एक बड़ी साजिश हुई है भाजपा के समर्थकों के खिलाफ, ये साजिश थी, ये पूरे ऐसे झारखंड में, मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूं, और इसका आगाह सुधीर जी बताएंगे, आगाह चुनाव आयोग को पूर्व में आगाह किया गया, लेकिन किस दबाव में, किस षड्यंत्र के तहत भाजपा समर्थकों के साथ
ये बड़ी कार्रवाई हुई। हमने कहा 1 लाख जांच ले चुनाव क्यों डिलीटेड, प्रिंटेड है वोटर लिस्ट पे प्रिंट है नाम, वहां उस पर मोहर लगी डिलीटेड, कौन जिम्मेदार है भाई? करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद 66% पोलिंग हुई, उसके बाद भी रांची विधानसभा में 21,000 लोग वोट ज्यादा दिए। अगर रिलेटेड नहीं होता यह आंकड़ा 75% जाता, यह आंकड़ा 75% जाता। इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग इसको जांचे, और जो भी बीएलओ दोषी है, जो भी बीएलओ दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। यह लोकतंत्र की हत्या का है, यह पेनलाइज करना चाहिए। आगे सुधीर जी बताएंगे आपको। सभी लोगों को नमस्कार। बड़े भाई हमारे जी, आप ही आप लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पता है, जो नशे का राजधानी जो बन गया, थोड़ा पीछे ये इनके मन में जो पीड़ा थी वो बताए आप लोग को। अब जो हम लोग विषय पर आ रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में जो नाम हटा है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है ये कहानी, ये षड्यंत्र समझिए कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है, बीएलओ में कौन लोग शामिल है, 80% बीएलओ कुछ विशेष धर्म विशेष समुदाय के विरुद्ध उसमें है, ऐसा हम लोगों ने देखा इसको। ये बीएलओ का आंकड़ा जो फर्जी आंकड़ा आने लगा, इसके चलते डिलीटेड डिलीटेड की जो संख्या बढ़ने लगी, सिंहभूम में 4 बूथ में 900 लोगों का नाम एक साथ डिलीटेड। कल्पना करिए, मैक्सिमम 1500 लोग रहते हैं एक बूथ पर, 1200 से 1500, उसमें 4 बूथ मिला के 900 लोगों का नाम डिलीट कर दिया। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर किया। रांची में झारखंड में इस तरह का कभी आज तक चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दर दर घूम रहे हैं, वोटर घूम रहा है, हर बूथ पर घूम रहा है कि मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। ये ट्रायल है उन लोग का, ये जो लोकसभा में लोग ने ट्रायल लिया है, ये तैयारी है विधानसभा, लेकिन इनका साजिश हम लोग नाकाम कर देंगे, क्योंकि इसका हम लोग चुनाव आयोग नई दिल्ली में भी हम लोगों ने शिकायत कर दिया है और वहां से जांच का भी आदेश आ गया है। इसकी पूरी जांच हो रही है कि कैसे इस सबका नाम डिलीटेड हुआ। पुणे से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से बहुत से स्टूडेंट आए लेकिन कोई वोट नहीं दे पाया। ये नई दिल्ली जो चुनाव आयोग में हम लोगों ने दिया और हमारा राष्ट्रीय टीम भी वहां दिया, हमने भी यहां से भेजा तब, और संजय भैया खुद इसमें बहुत चिंतित हो रहे थे उस दिन भी, चुनाव के दिन भी इनसे मेरा लगातार बातचीत हो रही थी, तब इस पर जांच का आदेश हुआ, एक टीम गठित हुई है दिल्ली में। अब एक एक बूथ पर एक एक बीएलओ से पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पर ये सब काम किया गया, और जो ये ट्रायल हो रहा है अभी रांची में 75-80% वोट हम लोग का निश्चित होता है, लेकिन बार बार 60-55% जो रहा है, इसमें जो लाख 1 लाख लोगों का नाम जो डिलीटेड हो गया, वोटर लिस्ट है, सब कुछ है, पिछले बार वोट दिया लेकिन नाम डिलीटेड, कारण कौन है? चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? बीएलओ से लेकर चुनाव आयोग तक का जो स्टोरी है ये पूरा सरकार के इशारे पर किया गया, क्योंकि जो भी वोट नहीं दिया वो सारे के सारे लोग बीजेपी के थे, ऐसा कोई नहीं मिला। आपके सामने भी ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ, कांग्रेस का समर्थक हूँ, हमको वोट नहीं देने देंगे, एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नहीं होगा। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल ऐसा है, और लाखों वोटर आईडी कार्ड, हजारों वोटर आईडी कार्ड का हमने सैंपल जिनका डिलीटेड किया है, वो डिलीटेड का लिस्ट हम लोग सभी पीडीएफ बनाकर चुनाव आयोग में भी, रांची में भी और दिल्ली में भी हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया है और जांच इसमें जारी है। कुछ शिकायत तो हम लोग यहाँ पर जांच अभी स्टार्ट हो गया, मतलब जांच का भी 10 दिन बीत चुका है। तो ये जो बहुत गंभीर विषय था, इसमें हमको यही बताना था कि झारखंड में ये पहला बार ऐसे इतिहास में हुआ है कि डिलीटेड का जो रचना, जो नया पॉलिटिक्स शुरू हुआ है डिलीटेड का, इसलिए इस विषय पर संजय भी हमको बताया, बुलाया यहाँ पर और बताया कि पूरा डाटा फोर्सेस का भी नाम नहीं था, फोर्स के लोग भी वोट देने से वंचित हो गए। बड़ी संख्या में फोर्सेस के अधिकारियों को फोन आके देखिए भैया हमारा नाम नहीं, हमको बैलेट नहीं मिला, हमको नहीं मिला। जो बस के ड्राइवर थे, जो बूथ पे जाने वाले थे, उनको तो अगर एंड टाइम तक नहीं, फिर हमने उपायुक्त को फोन किया, भाई बस ड्राइवर है, बस का कंडक्टर है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? वो इतना सहयोग कर रहा है, तब जाकर उपायुक्त ने फटाफट कराया, उनको भी वंचित कर दिया। फोर्स को बड़ी हजारों की संख्या में फोर्स को भी वंचित किया गया इस लोकतंत्र के महान पर्व पर भाग लेने। चलिए, पायलट के लिए जब वहां के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ड्राइवरों ने बहुत भारी हंगामा किया, तब उनको अचानक से डीसी के आदेश पर उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। सोचिए कि ये कैसे हो सकता है
कि जब वोट होने और स्ट्रांग रूम सील होने, फाइनल वोट फोल्ड रिपोर्ट होने के बाद ये सब आदेश दिया गया कि नहीं ये लोग वोट दे सकता है, मतलब मनमानी है, जिसका वोट नहीं है हल्ला हंगामा कर रहा है तो वोट देने दे रहे हैं कहीं नहीं तो डिलीटेड। ये इसका भी हम लोग आज बेमो वाला कांड को लेकर भी हम लोग चुनाव में शिकायत दर्ज करेंगे। आपके रिपोर्ट के अनुसार कितने परसेंट विशेष धर्म के लोग होंगे वहाँ? ये अलग विषय है, किंतु हम उस कोई धर्म के आधार नहीं है, हम कह रहे भाजपा समर्थक। रांची लोकसभा में 1,00,000 से ऊपर लोगों का नाम डिलीट किया गया है। बीएलओ सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी भी हो सकते हैं, ये तो चुनाव से पूछो ना। हमने जो पाया, जो हमको सूचना आई कांची लोकसभा के 6 विधानसभा में, ये सूचना मैंने देखा कि बहुत जगह गैर सरकारी बीएलओ भी बनाए गए थे। ये सवाल मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि अपना सत्यापन करें, लिस्ट में नाम है चेक करें, फोन नंबर दिया, टोल फ्री नंबर दिया, ऐप दिया। 25 लाख लोग जो गांव में महिला बैठी है, क्या चेक करेंगे भाई? आप साजिश करोगे, आप षड्यंत्र करोगे, कहां से होगा? संभव है कि जैसे हमारे यहां 24 लाख वोटर हैं, तो 24 लाख वोटर अपना सत्यापन करेगा, कहां से सत्यापन करेगा? टोल फ्री नंबर काम ही नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, 1930 1950 था, कुछ नहीं कर रहा था। घर जाकर वेरिफिकेशन करना, लेकिन वो तो किसी विशेष व्यक्ति को या संगठन को दे दिया कि आप बांट दो। कुछ महिला बीएलओ है जो आपके जगह किसी और से काम करवाते हैं। ये तो चुनाव आयोग का काम है ना, देखे हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, अप्रूव आपके पास मौजूद है, वोटर लिस्ट आपके पास मौजूद है, कैसे वोटर लिस्ट नाम छपा हुआ है और उस पर डिलीटेड का स्टैंप लगा हुआ, उसके पास वोटर आई कार्ड है, पिछली मरतबा चुनाव में 2-2, 3-3 चुनाव में भाग लिया, वोटर आई कार्ड नया आई कार्ड है, उसके बाद ही वंचित रखा। कई लोगों का हुआ कि बैलेट क्वेश्चन आपका हो गया, प्रशासन के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या आपको पता है कि रांची में पुलिस बल की संख्या क्या स्थिति है? अभी चुनाव चल रहा है, ट्रैफिक पोस्ट की क्या स्थिति है? एक जवान भी पोस्ट पे नहीं है, क्या इसका भी एक खामियाजा भुगत रही रांची? तो प्रशासन को देखना है भाई, नशा तो आज का नहीं है ना, अभी चुनाव हो रहे ना, क्या हत्या का दौर पिछले 4-5 साल से नहीं चल रहा है क्या? एक दिन हमने तो हमेशा क्या ब्रेकिंग न्यूज आज चलाओ कि आज हत्या नहीं हुई रांची, ये सबसे बड़ी खबर है, हत्या होने कोई खबर नहीं आज की, तो आज रांची में हत्या नहीं हुई ये बड़ी खबर है। नहीं, पुलिस बल की कमी आप मानते हैं झारखंड में खासकर? हमने ही है, ये अभी ना चुनाव के समय हुई है ना, ऐसा नहीं है कि चुनाव के पूर्व में नशे का धंधा नहीं होता था, हत्या नहीं हो रही थी, ये तो अभी चुनाव तो अभी ना 10-15 दिन के अंदर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, चुनाव से पहले भी। तो आप आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम समाज को सुधारें, समाज को बिगड़ने से बचाएं। एक यही काम बने को बहुत 2-3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, क्या करें? हाँ, अपने समाज अपने आपके सामने समाज को बर्बाद होते देखें, समाज खत्म हो रहा है। सिर्फ मेरा राजनीति कोई पैसा नहीं है, लेकिन सब किंग करते मूड है, सब चुप बैठे हुए हैं, सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग चुप बैठे हैं। कब किसकी बारी आई किसी को पता है? रांची अपराध की राजधानी बन गई है, कोई दिन ऐसा होता जिस दिन यहां गोली नहीं चलती हो? कब सुधरेंगे? कब कमिश्नर का पद यहां क्रिएट होगा? कोई स्थाई नहीं, कोई को पता ही नहीं रहता कब हमारा ट्रांसफर हो जाए ट्रैफिक एसपी या सिटी एसपी, कुछ पता ही नहीं, कौन लगाम लगाएगा? तो मेरा आज मात्र यही था, मेरा बहुत रात भर 2 दिन से पीड़ा हो रही, नींद नहीं आ रही थी, कल हमारा बच्चा हुआ, हमारा पोता पोती, हमारा नाती नाती होगा, हम पर क्या गुजरेगी? ऐसे ही मर जाएंगे अपने अपने बच्चों को देखकर? नशेबाज हो गए हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी नशेबाज हो गई। नशा मुक्ति, रांची को नशा मुक्ति से बचाना, ये सबसे बड़ा मेरा, कोई कहेंगे 5 साल का आपका विजन क्या है, तो सबसे पहला विजन यही होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।